अंतर जनपदीय वाहन चोरी गैंग का पर्दाफाश। चोरी की 8 आदत मोटरसाइकिल के साथ 8 साथी वाहन चोर हुए गिरफ्तार। जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में कोतवाली हाटा पुलिस टीम द्वारा देवरिया मोड़ कस्बा हाटा के पास से 8 साथी वाहन चोरों के कब्जे से 8 आदत मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई। पुलिस अधीक्षक ने बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरामदगी गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम हाटा प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र कुमार सिंह भिक्कू, राय चंदन प्रजापति, गौरव वर्मा, राम जन्म यादव, अनुराग यादव, हिमांशु सिंह, सुनील यादव, विपिन पांडे, थाना फैजे आलम, गुलशन कुमार टीम पुलिस उपस्थित रहे। केपीएन से संवाददाता उमर फारूक, कुशीनगर। चोरी कैसे करते थे और कितना वाहन बरामद हुआ? जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत हाटा पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग का गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस क्रम में 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से 8 मोटरसाइकिलों की बरामदगी की है। ये मोटरसाइकिल ये आसपास के जनपदों से चुराया करते थे और उसे विभिन्न जगहों पर बेचने का कार्य किया करते थे। ये सारे जो अभियुक्त हैं ये गोड्डा देवरिया जिले के निवासी हैं। इस क्रम में ये किनको वाहनों को बेचने की प्रक्रिया में थे, इन सारी चीजों की तफ्तीश पुलिस के द्वारा की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या लग रहा है, आपराधिक इतिहास क्या रहा है इसके पर? इनके कुछ आपराधिक इतिहास कुशीनगर में भी है, कुछ गोरखपुर में भी है, जिसकी तलाश की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई हो रही है। जिस प्रकार लगातार जो है वाहन चोरों को पकड़ा जा रहा है, तो ऐसे में जागरूकता के लिए भी क्या कुछ कहेंगे? इस संदर्भ में जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारी दो तरफा रणनीति होती है। एक तरफ जहां हम जनता को जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि जहां पर ही मानक आपका वाहन पार्किंग स्टैंड है, कोशिश करिए कि वहीं पे वाहन को पार्क करिए और अपनी जो गाड़ियां हमेशा उनको लॉक करिए, या घरों के पास भी जब आप खड़ी करते हैं तो कोशिश करें कि घरों के अंदर ही सुरक्षित गाड़ियां खड़ी करें, और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर इस तरह का दिखता है तो उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करें। इसके अलावा पुलिस की तरफ से जो निरोधात्मक और बचाव की कार्रवाई है, हमने पिछले 5 सालों में जितने भी वाहन चोरी के मुकदमे दर्ज हुए हैं उनका रिकॉर्ड निकला है, उन सारे अपराधियों को सत्यापन किया जा रहा है कि वो कहाँ है, जेल में है, जमानत में है। जो लोग जमानत में है उनका सत्यापन किया जा रहा है कि वो इस समय किस स्थिति में है, और मुखबिरों तंग को सक्रिय किया गया है कि कहाँ कहाँ पर ऐसे लोग हैं जो घटनाकारी कर रहे हैं। हर FIR को जांच के दायरे में लाया गया है जो पिछले 1 सालों में दर्ज है, और उसी क्रम में ये सफलता आपको दिखाई दे रही है। ठीक है।